Assalamualaikum Grade 8. How are you? Faiza Nadim here with your English lessons. I hope all of you are fine. I hope all of you are healthy, wealthy, safe, and attending your school regularly and doing your classworks and your homeworks. I hope that by this time you have realized that you are in the last moments of your middle school and you will be soon entering your high school grade 9 or 10 board exams you must be vigilant you must be on your toes you must pull up your socks and work really hard to get a good grade what we are going to do today let's start g grade 8 grammar trika unit number 17 page number 1 हंड्रेड से और यूनिट का नाम है द सेंटेंस एंड ओवरव्यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस किए थे, ठीक है? आज इस लेक्चर में हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस के दो एलिमेंट्स होते हैं फ्रेजेस और क्लॉजेस ठीक है हर सेंटेंस डेफिनेटली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनता है ठीक है बट Each group of word can be further classified into either a phrase or a clause, depending upon its nature, depending upon its usage in the sentence. theek hai हर sentence के अंदर या phrases भी मौजूद होते हैं, या clauses भी मौजूद होते हैं, हैं ठीक है? अब phrases क्या होते हैं और clauses क्या होते हैं? Let me tell you. एलिमेंट्स ऑफ देंटेंस वर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वर्ड्स तो तमाम सेंटें का पार्ट होते हैं ठीक है लेट्स क्या होते हैं फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो फॉर्म करता है एक मीनिंग फुल यूनिट एक सेंटेंस के अंदर लेकिन बट डज नॉट है मीनिंग ऑफ इट्स ओन उसकी अपनी जाति कोई मीनिंग नहीं होती इट हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ठीक है जो सेंटेंस का एक एसेंशियल यूनिट बनाता है लेकिन ना उसका कोई सब्जेक्ट होता है ना उसका कोई प्रेडिकेट होता है ठीक है और वो सेंटेंस को मीनिंगफुल जरूर बनाता है लेकिन उसकी अपनी जाति कोई मीनिंग नहीं होती जैसे ये सेंटेंस है माई लिटिल ब्रदर ठीक है अब ये माई लिटिल ब्रदर जो है ये एक फ्रेज है माई लिटिल ब्रदर इज इनकम्प्लीट ठीक है इज इट मेकिंग एनी अंटिल गुड क्रिकेटर टू इट ठीक है तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये जो यूनिट है इट वॉज अट एंड अब इसमें अगर मैं ये दो वर्ड्स या ये एक फ्रेज ले लू हॉट एंड यूमिट तो वो कोई सेंस बना रहा है नहीं सिर्फ को रहा है। तो हॉट एंड है वो एक फ्रेज है ठीक है वो एक फ्रेज है ठीक है? वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सेंटेंस को मोर मीनिंगफुल बना रहा है द प्रिंसिपल पानिश्ड द अनडिसिप्लिन चिल्ड्रन अब इसमें अगर मैं द अनडिसिप्लिन चिल्ड्रन ले लूँ, ठीक है अनडिसिप्लिन चिल्ड्रन मैंने ले लिया जो ये द प्रिंसिपल पानिश्ड का पार्ट बन गया तो ये जो है एक फ्रेज है ठीक है इसी तरह अगर हम इस सेंटेंस को हाफ में डिवाइड करके द प्रिंसिपल पानिश्ड ठीक है तो ये आपका फ्रेज नहीं है ये क्या है आई लेटर लेकिन undisciplined चिल्ड्रन डेफिनेटली आपका फ्रेज है लेसन को आगे बढ़ाते हैं क्लॉजेस पढ़ते हैं what are clauses it's mentioned on the board on the top the definition is written let's read it together a group of related words which forms a unit of thought within a sentence however a clause has a subject and a verb clause ka subject bhi hota hai clause ka verb bhi hota hai the principal punished Tike? principle principal subject hai punished verb hai to wo clause tha. ठीक है द अनडिसिप्लिन चिल्ड्रन हर गिज क्लॉज नहीं था ना उसके अंदर कोई वर्ब था ना उसके अंदर कोई सब्जेक्ट था ठीक है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड था विदाउट एनी मीनिंग ठीक है अनडिसिप्लिन चिल्ड्रन दैट्स इट तो वो फ्रेज था समझ आइए अब क्लॉज के भी दो टाइप होते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो बाकी क्लॉजेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है और इनडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है अपने ओन पे जैसे ये आपका है यू कांट टेक पार्ट इन द रेस ठीक है अब ये जो है ये आपको एक कंप्लीट सेंस बना रहा है यू कांट टेक पार्ट इन द रेस आप रेस में हिस्सा नहीं ले सकते बिकॉज यू आर ओवरिज अब ये बिकॉज कॉन्जंक्शन है बिकॉज यू आर ओवर एज क्योंकि आप ओवर एज हो चुके हो क्योंकि आप एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हो वो रेस 16 या 18 ईयर के बच्चों के लिए है एंड यू आर 19 ईयर्स ओल्ड तो यू आर ओवर एज बिकॉज यू आर ओवरेज एक डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है और एडवर्ब भी है ठीक है रीजन भी है ठीक है सब कुछ है इसमें लेकिन ये कंप्लीट नहीं है ये कंप्लीट होगा इस इंडिपेंडेंट के साथ जाके ठीक है बिकॉज यू आर ओवर एज क्योंकि आप एज बढ़ चुकी है आप ओवर एज हो चुके हो ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज हैप्पी मैं बहुत खुश था ठीक है कंप्लीट डिपेंडेंट क्लॉज है आई वॉज हैप्पी ठीक है लेकिन ये वाला जो क्लॉज है वेन आई फाउंड माई लॉस्ट सेल फोन जब मुझे समझ आए है आई वॉज हैप्पी वेन आई फाउंड माई लॉस्ट सेल फोन जब मुझे मेरा गुमा हुआ सेल फोन मिला तो आई वॉज हैप्पी ठीक है तो ये आपका इनकम्प्लीट डिपेंडेंट क्लॉज है जो इस क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है और ये आपका इनडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये एक कम्प्लीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ एक कम्प्लीट सेंटेंस है ठीक है अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं ठीक है अंडरलाइंस वर्ड्स हैं हमने उनको फाइंड आउट करना है कि वो फ्रेजेस हैं कि क्लॉजेस हैं राइट तो आई ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ स्पीकर फ्रॉम द सुपर मार्केट फ्रॉम द सुपर मार्केट आपका क्या ख्याल है बेटा ये क्लॉज है कि ये फ्रेज है फ्रॉम द सुपर मार्केट का कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है कोई सेंस बन रही है नहीं बन रही ना तो ये क्या बन गया बेटे ये बन गया फ्रेज ठीक है जो आपका अंडरलाइं वर्ड है वो बन गया फ्रेज नेक्स्ट इज माय फादर गॉट होम फ्रॉम वर्क मेरे बाबा काम से घर वापस आ गए ठीक है तो ये कंप्लीट सेंस है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है वर्ब है सब कुछ मौजूद है ठीक है तो ये आपका बन गया क्लॉज ठीक है अब ही रेस्ट his मोटरसाइकिल डाउन द हाईवे डाउन द हाईवे कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है नहीं है तो ये क्या बना फ्रेज आइडेंटिफाई कर रहे हो मेरे साथ साथ, साथ, साथ समझ रहे हो आई होप आई होप आप इसको साथ साथ समझ रहे हो आई होप आप इसको साथ साथ आइडेंटिफाई कर रहे हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी प्री नाइन के लिए so, इसको इसको करो करो। और इसको साथ साथ solve करो। Three statements हमने की। फ्रेंड टू फाइंड आउट अबाउट द होमवर्क आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है वर्ब भी है तो so, क्या बना लॉज ठीक है एन एक्सेलेंट फास्ट बॉलर एन एक्सेलेंट फास्ट बॉलर नो सब्जेक्ट नो वर्ब नीदर द प्रेडिकेट सो दिस इज अ फ्रेज गुड आ गया आई कॉन्सेप्ट है, है ना वेरी गुड चलो अब आपकी बुक का एक और एक्सरसाइज है जो आपको ये कहती है कि आपने जो गिवन सेंटेंसेस हैं उनको जो आपके क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको सेट करना है उनको री राइट करना है ठीक है आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है इस सेंटेंस को आपने इस तरह से चेंज करना है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन गिविन है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली नया सेंटेंस बन जाए ठीक है पहला सेंटेंस आपका है यू डोंट लाइक जंक फूड एट ऑल, इसको आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अगर नेगेटिव सेंटेंस करना है तो क्या होगा नॉट मौजूद होगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है तो वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे इसको हम यू चेंज करेंगे डोंट यू लाइक जंक फूड एट ऑल अब ये क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन बन गया बेटा ये क्वेश्चन भी बन गया और ये नेगेटिव भी है ठीक है हमने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इस सेंटेंस को चेंज कर दिया ये क्या था ये नेगेटिव डिक्लेरेटिव था यू डोंट लाइक जंक फूड एट ऑल ये नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस था जिसको हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया राइट नेक्स्ट इज प्लीज मेक लेस नॉइज इन द क्लासरूम ठीक है इसको आपने नेगेटिव इम्पेरेटिव में चेंज करना है और नेगेटिव इंपेरेटिव में क्या होगा इंपेरेटिव आपकी कमांड होगी और नेगेटिव होगा नॉट प्रेजेंस ऑफ नॉट ठीक है तो आप इसको करेंगे डोंट मेक नॉइज इन द क्लासरूम अब ये आपका नेगेटिव टिव सेंटेंस बन गया ठीक है आपने ऑर्डर भी दे दिया और उसमें नेगेटिविटी भी है राइट नेक्स्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसको आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है कैसे करेंगे हम लगा देंगे वॉट एन इंटरेस्टिंग Book. This is ठीक है What an interesting book this is. हमने इसको exclamatory sentence में change कर दिया Right? I am right. नेगेटिव इंटेरोगेटिव ये डेक्लेटिव affirmative सेंटेंस है इसको आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव चेंज करना है कैसे करेंगे Am I not right, जिनाब सवाल बन गया आपका नेगेटिविटी भी आ गई नॉट भी लग गया अच्छे खासे डेक्लेटिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट इज मदीहा फेल्ड इन द एग्जाम लास्ट ईयर इसको हमने करना है नेगेटिव डेक्लेटिव ठीक है इसको हम करेंगे मदीहा डिड नॉट पास द एग्जाम लास्ट ईयर लो जी हो गया चेंज बन गया फेल्ड इन एग्जाम लास्ट ईयर मजे से फाइव सेंटेंसेज रेस्ट ऑफ द फाइव आर ऑन दोर्ड लेट्स कंप्लीट दिस अ वेरी पोलाइट गर्ल अब हमने इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है ठीक है पोलाइट गर्ल शी इज ठीक है बन गया एक्सक्लेमेटरी बेटा आपका अब हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है सिंपल पॉजिटिव अफर्मेटिव असर्टिव डेक्लेटिव सेंटेंस को इट वॉज रेनिंग यस्टरडे वॉज इट रेनिंग देखो मैं साथ साथ सेंटेंस के एंड के पंक्टुएशन करेक्टली पुटअप कर रही हूं आपने भी करेक्टली पुटअप करना है ताकि ये फर्दर क्लैरिफाई हो जाए कि कौन सा सेंटेंस है राइट आ मीन डज नॉट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर ठीक है इसको अफॉर्मेटिव और डेक्लेटिव में चेंज करना है ये नेगेटिव डेक्लेटिव है आपने अफॉर्मेटिव डेक्लेटिव करना है सिंपल नॉट निकाल देंगे ठीक है अमीन आंस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखना है टू बी अ डॉक्टर ठीक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देख के काम करना है आई शुड गो टू द पार्टी इसको आपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना है ये क्या है अफॉर्मेटिव डेक्लेटिव आपने इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में टर्न करना है कैसे करेंगे शुड आई नॉट गो टू द पार्टी हो गया चेंज इंटेरोगेटिव और नेगेटिव ठीक है लास्ट सेंटेंस कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज ठीक है ये आपका क्या है ये रिक्वेस्ट है इसको आपने पॉजिटिव इंपेरेटिव में चेंज करना है कैसे करेंगे प्लीज कैन यू ओपन दी कुछ कैन नहीं लगाएंगे हम कुछ ही लगाएंगे प्लीज कुड ओपन द डोर फॉर मी फुल स्टॉप क्वेश्चन को हमने पॉजिटिव इम्पेरेटिव में चेंज कर दिया हो गया अच्छा एक एक्सरसाइज है आपकी जो आपको सिंपल ये कह रही है कि खुद से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करो एक जिसमें आप एक्साइटमेंट बता रहे हो कोई गिफ्ट रिसीव करने की क्या गिफ्ट रिसीव करके आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है वाओ थैंक यू फॉर माय लवली आईपैड इसी की खुशी सबसे ज्यादा होती है ना ठीक है एक्सप्रेस योर जॉय फॉर बीइंग सक्सेसफुल ठीक है एक्सप्रेस योर जॉय फॉर बीइंग सक्सेसफुल ठीक है क्या करेंगे होर रे वी वन द ठीक है एक्सप्रेस डीप सोरो बहुत दुख कैसे दुख शो करोगे अल्लास आई लॉस्ट माई फेवरेट लकी पेन कौन सा होता है लकी पेन जिससे आप जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हो उसमें फुल मार्क्स आते हैं ना तो अलास्ट सैड आई लॉस्ट माय लकी पेन एक्सप्रेस एगनी ऑन बीइंग हर्ट ठीक है आउच दैट नीडल मी वेरी डीप मुझे तो सबसे ज्यादा सुई का खौफ आता है इसलिए मैंने नीडल का प्रेक होना लिखा है सबसे ज्यादा नीडल सुई चुभने का खौफ आता है ठीक है तो मैंने डीप एगनी उसी की लिखी है यू कैन राइट द वन दैट यू फाइंड दैट यू थिंक हैज ब्रॉट डीप ग्रीव फॉर यू क्विक रिकुलेशन कर लें आज के लेसन की आज हमने किए एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस वी लर्न अबाउट द फ्रेजे वी लर्न अबाउट द क्रॉज उसकी हमने रिकैपिटुलेशन की उसको हमने रिवाइज किया उस कॉन्सेप्ट को हमने रिफ्रेश किया एक एक्सरसाइज से उसके बाद हमने अपने सेंटेंस ओवरव्यू के तमाम कॉन्सेप्ट्स को एलिमेंट्स को और उसके एलिमेंट्स को और उसकी काइंड्स को सबको एक एक्सरसाइज के जरिए रिवाइज कर लिया प्रैक्टिस कर ली

うん。<music>